नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, हमने हमारे लास्ट जो सेशन थे उसमें हमने सारा हमारा क ख ग और स्वर वो सब कुछ क्लियर कर लिया है, डन। नाउ अभी हम हमारे लास्ट फोर वर्ण है, हमारे व्यंजन के लास्ट वाले चार वर्ण है क्ष, त्र, घ्न और स्र। आज हम वो करेंगे और हमारा चैप्टर फोर है थोड़ा सा शब्दों वाला, वो करेंगे, डन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्ष। देखो, हमने क ख ग वो तो ऑलरेडी कर ही लिया है, उसका रिकेप भी हमने बार बार देख लिया है, राइट। नाउ अभी हम थोड़ा रिकेप में तो जाएंगे बाद में, पर बट अभी हम सबसे पहले क्ष और त्र कैसे लिखते हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्ष से क्या होता है, क्ष ही होता है कक्ष, ओके, वृक्ष, कक्षा, क्षत्रिय, उन सब में क्ष आता है। और त्र, पत्र, चित्र, ओके, वो सब में त्र आता है, राइट। तो देखो क्ष कैसे करते हैं वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्ष कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैंने स्टेप ऑलरेडी आपको दिए हैं। फर्स्ट क्या करना है, एक सर्कल करके उसको टर्न करके यहाँ पर टर्न कर देना है। क्या करना है, एक सर्कल करके ऐसे टर्न, एक सर्कल करके टर्न, सर्कल करके टर्न, सर्कल करके टर्न, राइट। फिर इसको ऊपर जाने देना है यहां से लेके यहां तक, ओके, सर्कल टर्न यहां से ऊपर, सर्कल टर्न यहाँ से ऊपर करके फिर हमें स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। वापस करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा हार्ड है बट हमसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्या करना है, सर्कल करके टर्न ऐसा करना है, देखो सर्कल करके फिर ऐसे, जैसे कि हम गुजराती में एकड़ो केम करिए अपने, राइट, सर्कल करके टर्न और ऐसे सर्कल करके ऐसे टर्न, ओके। देखो ये स्टेप आपको खास याद रखना है, सर्कल करके ऐसे टर्न किया और फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऊपर और स्टैंडिंग लाइन, तो हो गया हमारा क्ष। वापस एक बार करते हैं, देखो एक बार आप सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप सीख जाएंगे तो हो जाएगा इजी, डन। सर्कल करके टर्न करना है, सर्कल करके टर्न, ये स्टेप आपको खास याद रखना है, राइट। सेकंड ऐसे फिर टर्न और हो गया क्ष, राइट। एक बार लास्ट टाइम देखो एकदम ध्यान से, आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है, ये वाला, फिर यहां से टर्न करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, तो हो गया हमारा क्ष, क्षत्रिय का क्ष। टर्न करके ऐसे इसको ऊपर, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो हो गया हमारा क्ष, डन। नाउ अभी त्र, क्ष कर लिया त्र तो एकदम इजी है। सबसे पहले एक छोटा सा स्लांट सेट, फिर उसी स्लांट सेट के साथ एक स्लांट लाइन नीचे ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, टर्न स्लैंट लाइन, टर्न स्लैंट लाइन, टर्न स्लैंट लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर हो गया हमारा त्र, ओके। चलो वापस करते हैं थोड़ा सा, क्या करना है, पहले टर्न फिर स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो हो गया हमारा त्र, राइट। देखो वापस करते हैं, क्ष और त्र दोनों साथ में, क्ष में क्या करना है, टर्न करके ऐसे फिर इसको थोड़ा सा ऊपर, तो हो गया हमारा क्ष, त्र, ओके, डन। क्ष और त्र, क्ष से क्षत्रिय, त्र से पत्र, चित्र, त्रिशूल, बहुत सारे वर्ड बनते हैं जिसमें त्र और क्ष की हमें जरूरत होती है, राइट। ये क्ष
त्र ग्न और स है वो संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर। तो आपको ऐसा लगेगा कि संयुक्ताक्षर यानी कि क्या? तो संयुक्ताक्षर यानी कि उसके अंदर और एक वर्ड छुपा है। ओके, देखो ये क्ष है ना, क्ष क्ष। आप लोग बोलेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्ष क्ष। तो हमें उसके अंदर क भी दिखाई दे रहा है, प्लस ये वाला स भी दिखाई दे रहा है, और अ, तो ये बनेगा हमारा क्ष। राइट, क्ष के अंदर ये तीन वर्ड होते हैं, इसीलिए इन चारों वर्णों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। उसके अंदर क स और अ है, फिर है त्र। देखो त्र त्र त्र, हम बोलेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगी। उसके अंदर त प्लस र प्लस अ, त र अ त्र त र अ त्र त र अ त्र। राइट, तो क्ष के अंदर क स अ, त्र के अंदर त र अ। राइट, तो ये था हमारा क्ष और ये था त्र। अब हम करेंगे ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ, यज्ञ का ज्ञ। राइट, हम वो ज्ञ करेंगे। अब और करेंगे स्र। स्र यानी आश्रम, श्रम, श्रमिक। राइट, अब हम करते हैं ज्ञ और स्र के स्टेप। ओके, देखो अब हम हमारा ज्ञ और स्र स्टार्ट करते हैं। राइट, देखो ज्ञ कैसे करना है। सबसे पहले एक टर्न करके को नीचे करना है और ऐसे, राइट, टर्न करके र जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, र जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, टर्न करके। राइट, डन, वापस एक दो बार करते हैं। ओके, हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है हमें, क्ष त्र ग्न और स्र की। राइट, टर्न टर्न, सिटिंग और स्टैंडिंग। देखो वापस करते हैं थोड़ा सा, ऐसे र जैसे हम करते थे वैसे, और यहां से सर्कल करके ऐसे। राइट, र जैसे करते थे वैसे, यहां से थोड़ा सर्कल करके ऐसे, इसको बहुत बड़ा करना नहीं है। ओके, देखो टर्न करके टर्न, र करके फिर ऐसे, पहले र करना है फिर ऐसे करके ऐसे, हो गया हमारा ग्न। क्या हो गया हमारा? ग्न। राइट, फिर हमने क्या किया था? क्ष, क्ष भी हमने किया था, फिर हमने ग्न किया। राइट, ग्न और क्ष में आप लोगों को बहुत मिक्स होना नहीं है। क्ष के अंदर ऐसा राम रहता है और ग्न र के जैसा बनता है। राइट, चलो नाउ अभी हम करेंगे स्र। क्या करेंगे? स्र। स्र से मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से वर्ड बनते हैं, श्रम, श्रमिक, आश्रम। राइट, देखो स्र में क्या करना है, पहले उल्टा वाला आपको, ये शेप आपको आना चाहिए। ओके, इसको ऊपर करके टर्न, इसको ऊपर करके टर्न, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, ये आपको ऐसे ऐसे पहले स्टेप करना है। क्या करना है? ऐसे ऐसे स्टेप। राइट, अगर ये स्टेप आपको आ गया तो स्र इजीली हो जाएगा। राइट, नाउ चलो अभी उसके आगे का कुछ करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले देखो टर्न करके ऐसे करके, फिर यहां स्टैंडिंग लाइन करनी और ऐसे। राइट, टर्न करके यहां पर स्टैंडिंग लाइन और ऐसे, तो हो गया हमारा स्र। देखो राइट, पहले ऐसा टर्न, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और फिर एक क्रॉस लाइन, टर्न करके स्टैंडिंग, फिर अंदर क्रॉस लाइन। ओके, तो हो गया हमारा स्र। वापस करते एक बार, डन, एक बार वापस टर्न करके थोड़ा सा ऊपर जाके स्टैंडिंग, फिर क्रॉस लाइन, टर्न करके थोड़ा सा ऊपर, फिर स्टैंडिंग, फिर क्रॉस लाइन, तो हो गया हमारा स्र। ज्ञ
राइट ना, ऐसे भी हम ना कर सकते हैं, राइट। चलो वापस करते हैं, ओके। चारों के चारों वर्ण हम एक साथ लिखते हैं। देखो क्ष क्षत्रिय का कैसा था, राइट। फिर हमने किया त्र, क्या किया हमने, त्र। फिर हमने क्या किया, घ्न। घ्न में मैंने आपको क्या कहा था कि हमें र के जैसे करना है। फिर स्र, क्ष, त्र, घ्न और श्र। ओके, घ्न में आप ये राउंड थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ओके, घ्न श्र, क्ष, त्र, घ्न, श्र। तो ये हमने चारों के चारों वर्ण आज हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। हमें भी हमारी सीड बड़ी बुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्ष, त्र, घ्न और हमारा स्र, राइट। चलो हमारे टोटली सभी के सभी हमारे जो स्वर और व्यंजन है और ऑलरेडी वो सब कुछ हो गया है। क्या क्या है, सबसे पहले तो स्वर देखे थे, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, रु, ए, आई, ओ, औ, राइट। फिर हमने व्यंजन स्टार्ट किए थे, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ड, अण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। उसके बाद हमने क्ष, त्र, घ्न और स्र, यानी कि हमारे सारे के सारे स्वर और व्यंजन हो गए, राइट। नाउ चलो अभी हम हमारा चैप्टर 4 है बिना मात्रा वाले शब्द, वो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने बिना मात्रा वाले शब्द थे वो ऑलरेडी देख लिए थे, राइट। चलो हम वापस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने पूरा हमारा टोटली जो क, ख, ग, सारे स्वर वो सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है, डन। सबसे पहले हम देखेंगे दो वर्ण वाले शब्द, कौन से शब्द देखेंगे हम, दो वर्ण वाले, राइट। देखो दो वर्ण वाले शब्द कौन कौन से हैं, कल, कह, थान, रथ, काम, छ, रस, नाथ, कद, जल, धान, जग, राइट। कर, बस, नार, छल, चार, बस, सॉरी, तट, पल, डग, घर, डर, बल, सब, राइट। ये थे हमारे सिर्फ दो वर्ण वाले शब्द, यानी कि उसके अंदर सिर्फ दो वर्ण है, वो भी कैसे है, जिसके अंदर एक भी मात्रा है नहीं, क्योंकि मात्रा वाले शब्द तो भी हमें सीखने हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या सीखा है, हमारा स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन से भी कितने सारे शब्द बनते हैं। देखो हमारा घर है तो वो हमारा घर है, वो भी उसका भी शब्द जो बनता है वो कैसा बनता है, बिना मात्रा वाला। और ग भी हमें लिखना आ गया है और हमें र भी लिखना आ गया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है जो बिना मात्रा के बनते हैं, राइट। हमने दो वर्ण वाले देखे, अब हम देखेंगे तीन वर्ण वाले। कैसे आप शब्द देखेंगे, जिसके अंदर तीन शब्द है, कितने शब्द है, तीन वर्ण है। देखो चलो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है। अमन, ठहर, भरत, चरण, स्टैंडिंग लाइन में रीड कर रही हूँ, ओके। चमन, नहर, कमल, कलश, चहक,
सहर सबक भजन। लास्ट लाइन डगर सहर रबड़ नयन। ओके, ये थे कैसे तीन शब्द वाले जिसके अंदर तीन वर्ण है। अमन कोई बॉय का नेम है, ठहर यानी कि रुक जाओ, फिर भरत यानी किसी का नेम है, चरण यानी कि हमारे पैर, फिर चमन यानी कि फूलों का चमन ऐसा हम कहते हैं ना। ओके, नहर यानी कि पानी की जो नहर है होती है वो, कमल यानी कि कमल का फूल, कलश कलश यानी कि हमारे घर में जो होता है कलश, भगवान के पास हम रखते हैं पानी भर के, उसको भी कलश कहते हैं। फिर चहक यानी पक्षी जो चहकते हैं वो, लहर यानी कि पानी की लहरें, महक यानी कि स्मेल सुगंध, फिर पलक पलक यानी कि आंखें, पलकते हैं ना जब हमारी आंखें वो पलक, फिर मगर मगर यानी कि क्रोकोडाइल, फिर पहर यानी सुबह का पहर शाम का पहर। ओके, सबक किसी को आज अच्छा सबक मिला उस ऐसे, भजन यानी कि भगवान का भजन, डगर यानी कि रास्ता राह, फिर शहर यानी कि हमारा शहर जैसे कि राजकोट। ओके, फिर रबड़ रबड़ यानी कि हम जब पेंसिल से कुछ इरेज करते हैं उसको रबड़ कहते हैं, फिर नयन नयन यानी कि हमारी आंखें, राइट। तो ये शब्द कैसे थे, तीन मात्रा तीन वर्ण वाले, कैसे शब्द थे तीन वर्ण वाले यानी कि उसके अंदर तीन वर्ण है, देखो सभी में तीन तीन है, राइट। देखो वैसे ही होते हैं चार वर्ण वाले शब्द, क्या होता है चार वर्ण वाले शब्द, अचकन झटपट पतझड़ उपवन, अचकन झटपट पतझड़ उपवन, कसरत झमघट बर्तन अदरक, खटमाल तरकस मलमाल नटखट उबटान दमकल पनघट हलघर, राइट। देखो वापस करते हैं, अचकन यानी कि जो पहनावा होता है अचकन, ओके, कोई कुर्ता होता है उसको कहते हैं अचकन, फिर झटपट यानी जल्दी जल्दी, फिर पतझड़ यानी कि जब ऐसा मौसम आता है कि बहुत सारे पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाता है गिर जाते हैं, राइट, तो उसको कहते हैं पतझड़ का मौसम। फिर उपवन उपवन यानी कि बाग बगीचा, फिर कसरत यानी कि एक्सरसाइज, फिर जमघट यानी कि जो घट होता है वो जमघट, फिर बर्तन बर्तन अदरक अदरक राइट अदरक इट्स इजी, खटमल यानी कि खटमल यानी कि एक इंसेक्ट है जो हमें काटते हैं खटमल मच्छर टाइप, तरकस यानी कि जो हम धनुष बाण चलाते हैं वो तीर रखने का जो होता है पीछे उसको कहते हैं तरकस, फिर है मलमल मलमल का एक कपड़ा आता है, नटखट यानी कि बहुत नटखट होता है वो, उबटन यानी कि हम जो हमारे मुंह पर लेप लगाते हैं वो उबटन, राइट, फिर है दमकल दमकल यानी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसको कहते हैं दमकल, राइट, फिर पनघट पनघट यानी कि जहां पर पानी भरा जाता है वो, हलघर यानी कि हल जलाने का जो होता है वो, राइट। तो ये थे हमारे चार वर्ण वाले शब्द, कैसे वर्ण वाले शब्द, चार वर्ण वाले। ओके, देखो ये जो चार वर्ण वाले हैं वर्ड, उसमें देखो हमने देखा ना था ना जमघट, ये जमघट है उसका मीनिंग होता है कि बहुत सारी भीड़ मेला, ओके, बहुत भीड़ मेला होता है उसको कहते हैं जमघट, और हलधर यानी कि किसान, ओके, किसान होता है उसने हल धरा हुआ होता है, हलधर यानी कि किसान, राइट। तो ये थे हमारे चार वर्ण वाले शब्द। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा आज, हमने क्ष त्र ज्ञ स्र और हमने दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द सीखे, राइट। आप लोगों को अपनी बुक में थोड़ा सा होमवर्क इस बार है, राइट, बट हमें क्या करना है कि फटाफट आप लोगों को मैं एक दो दिन दे दूंगी लिखने के लिए, ओके,
तो हमें डी डब्ल्यू में हमारा पूरा क ख ग लिखना है और दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द लिखने हैं। ओके डन। तो यह हमारा जो चैप्टर फोर है वर्ण वाला, वो भी मीन्स के बिना मात्रा वाला शब्द का, वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये आप लोगों को सबसे पहले दो वर्ण वाले और तीन वर्ण वाले शब्द मैंने ले लिए थे, राइट। अब हमें क ख इजीली आ गया है तो हमने ये थोड़ा सा स्पीड में ले लिया, क्योंकि हमें अभी आ मात्रा सीखनी है, ई मात्रा सीखनी है, राइट। तो ये जो वर्ण है बिना मात्रा वाले शब्द, वो आप लोगों को अपनी बुक में प्रॉपर वे ही मम्मी को बोलना है कि वो बोले और आपको फिर लिखना है, राइट। देख देख के मत लिख लेना। ऑलरेडी अगर मैं आपको कहूंगी कि घर लिखो, चमन लिखो, ओके पतझड़ लिखो, तो आपको आ जाना ही चाहिए। डन। मम्मी को बोलना है कि वो बोलेंगी और आपको वो लिखना है। ओके सबसे पहले दो वर्ण वाले, फिर उसके बाद तीन वर्ण वाले और फिर उसके बाद चार वर्ण वाले, राइट। फिर नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन से हमारा पेज नंबर 11 है ना, एकदम इजी है, राइट। वो अभी हम देखेंगे और फिर हम उसके साथ सीखेंगे हमारा अ वाला जो स्टेप है वो हम करेंगे। ओके तो तब तक के लिए बाय।